इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान। बोल बालक, क्या इच्छा है तेरी? मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, अच्छे क्लासेस दिला दो ना। मिल जाएगा। स्टडी नोट्स भी? वो भी मिल जाएंगे। अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी? ये प्रार्थना भी सुन ली बाबा। हाँ बालक, ये सब एक ही जगह दिला दो ना। तथास्तु, ये भी हो जाएगा। अब तो प्रसन्न है ना? एक आखिरी प्रार्थना, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब किफायती दाम में दिला दो ना। ठीक है, बोल बम, हो गया प्राइस कम। अब आकाशवाणी सुन। हे बालक, महाशिवरात्रि के मौके पर सुपर कोचिंग सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए लाया है बोल बम प्राइस कम सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्टबुक चैनल पर। और यहाँ पर एक और वीडियो रेलवे से संबंधित। देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी तो कर रहे हैं, बट उनके मन में एक डाउट इस चीज का कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होगा। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर हमें किसी एग्जाम का मोटिवेशन चाहिए तो हमें बस उस एग्जाम के बाद मिलने वाली लाइफ का पता होना चाहिए। तो हमें उस एग्जाम का जो है एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हाँ यार, इस एग्जाम को मुझे क्यों क्रैक करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप सभी के लिए। आपको कहेंगे सर आप क्यों बता रहे हो, आपने तो असिस्टेंट लोको पायलट आप हो ही नहीं, तो फिर आप कैसे बता सकते हो। देखिए, हमने अपने जीवन में 2018-19 में जो लास्ट वैकेंसी देखी थी उसमें बहुत से बच्चों का सिलेक्शन करा। अब वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो पूरे 5 साल, मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं 4-5 साल जो है नौकरी में रहे हैं। कुछ मेरे ऐसे मित्रगण हैं, मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है जिसका नाम जो है सौरभ है, मैं आपको उसी के ही लाइफस्टाइल का बता देता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहा है तो मेरे को उसका पूरा पता है कि वो एज अ असिस्टेंट लोको पायलट उसका भी सिलेक्शन जो है उसी वैकेंसी में हुआ था जो लास्ट वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो मैंने जो लाइफस्टाइल देखा है ना, मुझे दिखाई दिया है कि हाँ, इस पूरे एग्जाम प्रोसेस में ना, जो एग्जाम हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो लाइफ है ना वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मैंने ये वाली इमेज की चुनी है, ठीक है, एक इमेज ये भी हो सकते हैं कि डिसएडवांटेज ज्यादा होते एडवांटेज कम होते, है ना। अब मैंने ये वाली इमेज इसलिए ज्यादा चुनी है क्योंकि एडवांटेज बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेज जरा से है, कम है, लेकिन जानना जरूरी है भाई, डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी। ठीक है, दोनों चीजें जानोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई, एक असिस्टेंट लोको पायलट जब इलेक्शन ले लेता है तो उसकी लाइफ कैसे होती है। पहले आप सभी एक बार वीडियो में लिखिएगा किसको एडवांटेज पहले जानने हैं, डिसएडवांटेज पहले जानने हैं। आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली अपना एग्जाम का नाम भी लिखेंगे, और एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही जानना चाहते हो दोनों ही लिख दो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इवन आपको भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज पता है तो आप भी बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे, जिससे कि बच्चे को क्लियरिटी हो कि आप लोको पायलट बनके क्या करने वाले। चलिए हम शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। देखिए, एडवांटेज सबसे पहला क्या है, देखिए मैं ना आपको डिटेल, मैं ये नहीं बता रहा कि बस रेलवे है भत्ते ज्यादा होंगे, ये सब चीजें ठीक है, ठीक है, इससे भी ज्यादा डिटेल एडवांटेजेस हम इस वीडियो में समझ सकते हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो है आपका, ठीक है, घर पे रहना। कोई कहेगा सर घर पे कैसे, आप लोको पायलट की, आप लोको पायलट हैं, हम घर पे कैसे रह सकते हैं। इसमें घर पे रहने से मतलब क्या है कि जब भी आप कोई और फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया या फिर आपने आर्मी ज्वाइन कर ली या फिर आपने कोई और अदर जो है सीजीएल क्रैक कर ली, सीजीएल से आप आईटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कुछ भी लग गए, आपको ना उन सभी केसेस में ना अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, आपको उन सभी केसेस में अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, ज्यादातर छोड़ना ही पड़ता है, नौकरी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। बट ये इकलौती ऐसी जॉब है जो मुझे लगता है जहां पे आपको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। कोई कहेगा सर कैसे, देखिए अगर आप जहां पे भी जिस जोन से आपने अप्लाई, मतलब आप बेसिकली आप अपने घर के एरिया के आसपास जहां पे भी आपका जो है लोकल एरिया जो भी होगा उसके आसपास अगर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहां पे लोको पायलट का ऑफिस है, 100% श्योरिटी है कि आपको उसी जगह पे नौकरी मिलेगी। इवन मेरा जो मित्र है वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के एरिया में रहता, ठीक है, तो उसको उसी के पास की जॉब मिली है और मेरे को 3 साल हो गए देखते को,
वो उसी एरिया में जॉब कर रहा है। कोई कहेगा सर बदलाव नहीं होते, ट्रांसफर हो जाते होंगे, ठीक है आप कह रहे हो कि उधर रहते ट्रांसफर हो जाते होंगे, बेटा ध्यान रखिएगा ट्रांसफर नहीं होता अनटिल और अनलेस आप अप्लाई ना करो, अनटिल और अनलेस आप अप्लाई ना करो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, आप अपने क्षेत्र के आसपास का जो है चुनोगे, तो आपको जो है डेफिनेटली फायदा है, घर पे रहोगे। कोई कहेगा सर नौकरी भी तो जाना पड़ता है, देखो इधर नौकरी का क्या हिसाब है, नौकरी का हिसाब ये है कि आपको ना एक एक पर्टिकुलर शेड्यूल दे दिया जाता है कि आज आपको रात को निकलना है, 2 दिन में आप अपना मालगाड़ी जो भी लेके जा रहे हो 2 दिन में पहुंचा के वापिस आ जाओगे, उसके बाद एक चीज कंफर्म है कि उसके बाद 16 घंटे तक आपको दोबारा ड्यूटी नहीं मिलेगी, यानी कि आप अपना अपने ही एरिया घर के पास की लोकेशन से आपने ट्रेन को पकड़ा है जिसको आपको लेके जाना है, आपने अपना काम किया, 1 दिन लगा 2 दिन लगा जहां पे भी जाना है, मान लो दिल्ली से आपको किसी और जगह जाना है, आप गए आपने अपना काम किया और वापिस आप घर पे आ गए और 16 दिन 16 घंटे का आपको रेस्ट मिल गया, तो डेफिनेटली आपके घर का ही रह गया ना काम, आपको कहीं जाना पड़ा तो जिससे जा रहे हो वो आपके पास है और वही आपको उसी पे आप वापिस आ रहे हो, फिर आप घर में आ रहे हो आराम से। तो पहला तो एडवांटेज यही है, बहुत तगड़ा एडवांटेज लगता है मुझे तो ये। दूसरा एडवांटेज है रेस्ट, दूसरा एडवांटेज है रेस्ट। रेस्ट एडवांटेज क्यों है कि मैंने बीच में कहा कि 16 घंटे आपको जो है गैप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एक एडवांटेज और है यहाँ पे कि आप 7 से 8 दिन के बीच में एक 30 आवर्स का रेस्ट भी ले सकते हो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 30 आवर्स का मतलब मैं कह सकता हूँ 1 दिन से भी ज्यादा का रेस्ट आप 7 से 8 दिन के बीच में ले सकते हो, ये भी आपके लिए अवेलेबल। तो ये बेनिफिट एक हो गया। तीसरा बेनिफिट, ये एक ऐसी जॉब है जो रिस्पेक्टेबल जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब मैं इसलिए कहूंगा आपको ना इसमें ना जस्ट लाइक मैं सीधी बात कहूंगा, अगर आप एज अ टीटी जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे कि आप कैसे कैसे कमा रहे हो, या फिर कुछ इस तरीके का आपके भी आपको भी लग सकता है, कईयों को लगता हो, बट यहाँ पे आपको क्या है कि आपको एक ट्रेन चलानी है, अपनी मेहनत करनी है, मेहनत का पैसा मिलेगा, आप एडवांटेज ये भी ले सकते हो कि आप ज्यादा चला के, ठीक है रेस्ट कम करके ज्यादा चला के अपने ड्यूटी आवर्स को ज्यादा करके बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो, आपको आवर्स के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं जो आपके एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, तो ये आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी 1 लाख से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है ये आपको एक और एडवांटेज मिल गया, ठीक है तो ये भी एक एडवांटेज है। इसमें क्या है कि देखो एडवांटेज तो मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसको क्या एडवांटेज लगता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपका यही, आप देखो सिंपल सी बात है, किसी स्टेट की नौकरी से बढ़िया आप सेंटर की नौकरी में हो, सेंटर की नौकरी में आप असिस्टेंट लोको पायलट, पायलट वर्ड यूज हो रहा है यार आपके लिए, है ना तो आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपको सब कुछ दिया जाएगा। एक और एडवांटेज रहता है, जैसे मान लीजिए आपके आपके स्पाउस है, आपकी वाइफ है, ठीक है या फिर आपके हस्बैंड है, कोई भी आपके स्पाउस होने चाहिए, आपके बच्चे जो है उनको भी रेल पास मिल जाएगा, ठीक है हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से, ठीक है ध्यान रखिएगा मदर और फादर को, ठीक है आपको डिपेंड आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा अगर आपके फादर अलाइव, ठीक है तो उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, अगर मैं असिस्टेंट लोको पायलट की बात करूँ, ठीक है ये मैंने एडवांटेज का पलड़ा थोड़ा सा भारी बताया क्योंकि एडवांटेज बहुत मिलते हैं, डिसएडवांटेज थोड़े से हैं लेकिन डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। कोई कहेगा सर क्या डिसएडवांटेज, देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कोई कहेगा कैसे, मेरा जो मित्र था वो अभी भी चलो वो तो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट है, ठीक है वो अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने इस जॉब में देखे हैं जो अपने हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप ऐसे नहीं बता सकते कि भाई आपको सुबह ही जाना है रात को ही आना है, क्या पता आपको किसी दिन रात को जाना पड़े सुबह आना पड़े, ठीक है 2 दिन तक आपको जाना पड़े, तो आपको ना कभी भी बताया जा सकता है कि आपको इस समय ड्यूटी करनी है, तो इट्स नॉट अ फिक्स आवर, मतलब आप रात को जिस समय सोया जाता है उस समय भी आप क्या पता चला रहे हो ट्रेन, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। दूसरा आप 2 दिन के लिए कहीं पे बाहर हो, आप बाहर का खाना खाओगे तो वो आपके हेल्थ इश्यूज पे इफेक्ट डालता है। तीसरा जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है कि ना जैसे आपको आपको रेस्ट आवर्स मिल रहे हैं, बट रेस्ट आवर के साथ ना आपका जो ना एक दिक्कत ये आती है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो उस समय पॉसिबल है कि आपको रेस्ट आवर नहीं मिलेंगे, फेस्टिवल के समय बर्डन होता है, ठीक है अगर आप पैसेंजर लोको पायलट बन रहे हो फ्यूचर में जाके तो आपके ऊपर बर्डन होगा कि ट्रेन तो ज्यादा चलनी है, ठीक है और भी बहुत सारे काम होने हैं, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ना हो, आपको कोई स्पेशली दिवाली पे नहीं कहेगा कि आज दिवाली है तो आप भी जाइएगा, ज्यादातर होता है ना गवर्नमेंट गेस्टेड हॉलीडे होता है तो सरकारी नौकर भी सारे घर पे होते हैं,
लेकिन पुलिस वाले और रेलवे वाले वो कभी घर पे नहीं होते, उनको फेस्टिवल पे ज्यादा काम हो जाते हैं, ठीक है, वो फेस्टिवल पे उनको ज्यादा काम आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा घर से दूर रहेंगे, ये बड़ा डिसएडवांटेज लगता है, ठीक है। एक मेरे को डिसएडवांटेज लगता है कि आप ना मेंटली अगर स्ट्रोंग नहीं है, फिजिकली अगर आप स्ट्रोंग नहीं है, तो आप इस नौकरी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो एक मालगाड़ी चल रही है, मालगाड़ी को बीच में ही होल्ड पे रख दिया कि भैया पैसेंजर ट्रेन को निकलने दो, 4 घंटे आपको एक ही जगह पे रुकना है, ठीक है। तो आप अगर मेंटली स्ट्रोंग नहीं हो तो आप उसमें घबरा भी सकते हो, आपका मन भी खराब हो सकता है, आपको दिक्कतें भी आ सकती है, बहुत तरीके की दिक्कतें आ सकती है, ये एक रियलिटी है, ठीक है, जो मतलब हमें बताया कि भैया ऐसा होता है। तो व्यक्ति को मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग होना पड़ता है, ठीक है, ऐसे केसेस में। तो ये एक डिसएडवांटेज मेरे को इधर लगता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज कम ही है, ज्यादा एडवांटेज है, ये एक एग्जाम ऐसा है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, आपको फायदा होगा, ठीक है। आपको तैयारी करनी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप मेरा एक टेलीग्राम है अमन सर टेस्ट बुक, ठीक है, आप क्या करें, टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक ज्वाइन करें, सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा कि आप में से कौन कौन असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने वाला है। आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेके तैयारी करनी है तो आप, ठीक है, एक कोर्स भी ले सकते हो सीधा टेक्स्ट बुक पे आके, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे कोर्स लेने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक पे आए, ठीक है, आपने, ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है सुपर कोचिंग ऐप जो है इसे सर्च किया, ठीक है, और जैसे आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप सर्च करोगे तो आपको ALP का कोर्स मिल जाएगा, एनरोल कर सकते हो, ठीक है, सीधा लगा सकते हो। अप्लाई कूपन कोड में आप इधर एक कोड लगाइएगा, ठीक है, कोड कौन सा है ध्यान रखिएगा, कोड मैं आपको अभी इधर बता दे रहा हूँ, लगा के दिखा दे रहा हूँ, अमनदीप। जब आप अमनदीप कोड लगाओगे और इधर अप्लाई करोगे तो आपकी फीस एकदम से कम हो जाएगी, जो आपकी फीस है वो अप्लाइड कूपन कोड में कम हो चुकी, ठीक है। तो आप ये यूज करिए दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी, और इस कोर्स के साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मेरा टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सभी टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स पे अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लिख सकते हो, इस एग्जाम के और डिसएडवांटेज, ठीक है, लोको पायलट बनने के एडवांटेज बता सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपने से कोई लोको पायलट है भी, अगर आप वो वीडियो आपके पास भी पूछे तो आप भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हो, इफ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।